कौन कहता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फूंक सकता? अगर शिद्दत से प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से इस बदलाव को किया जा सकता है। इसी बदलाव की कहानी गांववाणी स्टूडियो के आज रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गांवों की ओर प्रकृति की ओर में हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। ऐसी ही कहानी रति राम जी जो हमारे बानसूर के आयुर्वेदिक विभाग में सरकारी कार्मिक हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को योग में समर्पित करते हुए और आज से 5 वर्ष पूर्व एक मुहिम के रूप में आरंभ किया गया एक छोटा सा प्रयास धीरे धीरे आज एक मुहिम बनकर पहल बनकर एक अभियान का रूप लेके और एक जनक्रांति के रूप में आगे बढ़ रहा है। मैं बता दूं कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं आज रविवार विशेष कार्यक्रम गांववाणी स्टूडियो का, इसमें ये इनका योगा क्लब है जो बानसूर में इन्होंने संचालित किया है और आप देख रहे हैं इस क्लब में हर उम्र का एक व्यक्ति आपको योग करते हुए नजर आ रहा होगा, चाहे वो युवा हो, चाहे वो मध्यम आयु वर्ग का हो, या फिर रिटायरमेंट के बाद सेवानिवृत्ति के बाद जब व्यक्ति घर पहुंच जाता है वो भी व्यक्ति किस प्रकार इस योग मुहिम में जुड़कर अपने आप को स्वस्थ और एक तरीके से ऊर्जावान बनाने में किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। यह एक साझा प्रयास जो रति राम जी ने एक मुहिम के रूप में आगे जुड़कर इस काम को किया है, तो हमें खुशी है कि आज हम अपनी गांववाणी स्टूडियो की टीम के साथ सुबह भोर के साथ जल्दी उठकर और इनकी जो लाइव जो क्लास थी उसे शूट कर आप लोगों के साथ हम इस गांववाणी स्टूडियो के माध्यम से साझा कर रहे हैं। गांववाणी स्टूडियो का प्रयास रहा है हमेशा कि इसी प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन जो हमारे समाज में लोग गांवों से जुड़कर ही कर रहे हैं। अगर हम शहरों में देखें मेडिटेशन सेंटर हैं या फिर महंगे बड़े इस तरह के योग प्रशिक्षण केंद्र आपको मिलेंगे जो महंगी फीस लेते हैं, लेकिन यहाँ ये बिल्कुल निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से संचालित ये जो योग मैं बानसूर के संकल्प के साथ जो आरंभ किया गया अभियान है। रति राम जी ने बताया कि जब इस मुहिम को उन्होंने आरंभ किया तो 1-2 लोग ये जुड़कर इसको इन्होंने आरंभ किया था, लेकिन आज प्रतिदिन इनकी इस क्लास में 30 से 40 लोग लगातार इसमें भाग लेते हैं और नियमित रूप से वो इस काम को कर रहे हैं। तो मैं आपसे भी यही अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी इस योग से जुड़े, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योग को जरूर अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, योग करें, जीवन को स्वस्थ बनाएं, साथ में आप अपने आप को ऊर्जावान, तेजवान और सशक्त बनाने के लिए भी आप योग और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आगे हम रति राम जी से बात करेंगे, उनके मुख से भी जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने इस पहल को आगे बढ़ाकर और एक कार्य के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है। तो बहुत ही सराहनीय प्रयास इनकी पूरी टीम का जो पूरे डेडिकेशन के साथ लगातार हमारे बानसूर के राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रातः जल्दी आकर और ये नियमित रूप से अपनी कक्षाओं का संचालन करते हैं और सभी लोग मिलकर इसको एक सेलिब्रेट करने का काम करते हैं और एकजुटता, एकता का एक ये नया आयाम और एक प्रतीक हमने यहाँ पर इनकी पूरी टीम के साथ देखा कि शिद्दत के साथ ये लोग नियमित रूप से अभ्यास यहाँ पर करते हैं। तो आइए हम भी इनके इस मुहिम में जुड़कर और अपने आप को योग में और योग से जुड़ने का एक अवसर पाएं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी समाज में इस प्रकार का कोई भी सकारात्मक बदलाव अगर आप लाने का एक संकल्प रखते हैं तो इनकी टीम से जरूर मिलें और इससे जुड़कर एक सीख लेकर और आगे बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि अकेला व्यक्ति जब किसी अभियान को आरंभ करता है तो अकेला जरूर होता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो कारवा जुड़ता चला जाता है और लोग अपने आप उसमें अपनी मर्जी से जुड़ते चले जाते हैं। और जो लोग मर्जी से जुड़ते हैं, जो अभियान में पहल के रूप में आगे बढ़ाते हैं, वो निश्चित रूप से उस अभियान को एक सफल अभियान बनाने में महत्वपूर्ण अपना योगदान प्रदान करते हैं। तो धन्यवाद आप सब लोगों का कि आपने इस डेडिकेशन के साथ इस अभियान को चलाया है और विशेषकर मैं रति राम जी को भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कैसे अपनी इस पूरी टीम को एक सूत्र में बांधकर और नियमित रूप से इस योग को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो फिर हम इसी प्रकार की कहानियों के साथ, इस तरह की रोचक प्रयासों को आपके साथ सकारात्मकता के साथ लाने का हम इसी प्रकार हर रविवार एक प्रयास करते हैं। तो अगले हफ्ते फिर हम इसी प्रकार का एक प्रयास आपके साथ साझा करेंगे।
तो चलिए हम रतिराम जी से जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने इस मुहिम को आरंभ किया और आगे लाने का काम किया। सर, मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो ये क्लब है वो कितने समय से इसी प्रकार नियमित रूप से कक्षाएं संचालित कर रहा है, और आज हमें ये अवसर मिला आपके इस पूरे क्लब की जो गतिविधि होती है, प्रातः जल्दी आप सूर्योदय से पूर्व यहाँ भोर के समय आकर, और आप नियमित रूप से पिछले 5 वर्षों से आप इस योग में वानसूर के संकल्प के साथ पूरे क्लब के थ्रू इस काम को पूरा कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आप के इस मुहिम को चलाने के पीछे आप लोगों का क्या विजन है, और किस प्रकार आप इसे पूरे वानसूर के लोगों तक इस संदेश को पहुंचाना चाहेंगे। सर देखिए, आज जो सबसे बड़ी समस्या है कि कितना ही चिकित्सा विभाग और स्वास्थ्य के प्रति गवर्नमेंट अवेयर हो रही है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोल दिए गए हैं, लेकिन उनमें रोगियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और एक तरह से बेकाबू सा होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि हमारी जो जीवन शैली है वो काफ़ी बदल चुकी है। तो मैं भी एक आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक के पद पर कार्यरत हूँ, और मैंने देखा कि आज जब तक अपन लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं करेंगे, उनकी जीवन शैली को नहीं बदलेंगे, तब तक इस स्वास्थ्य में कोई लाभ होने वाला नहीं है। चाहे चिकित्सा विभाग और गवर्नमेंट कितना ही बजट दे दे, कितने ही औषधालय चिकित्सालय खोल दे, कितने ही मेडिकल कॉलेजेस खोल दे, लेकिन जब तक एक आम आदमी अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर नहीं होगा, सजग नहीं होगा, तब तक इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 21 जून को, जो अपने बड़ा दिन के नाम से होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून 2015 में योग की मुहिम शुरू की थी और उन्होंने विश्व में योग दिवस मनाया था। तो उसी से मैं प्रेरणा लेके और अपने वानसूर के सभी लोगों को इससे जोड़ने की एक प्रेरणा ली है, उन्हीं से मुहिम चलाई है कि हम इससे योग से जोड़े और लोगों को स्वस्थ रखें। 21 जून 2017 से हमारी यहाँ क्लास सुबह 4:30 बजे नियमित सभी हमारे जो योग साधक हैं वो आ जाते हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं लगातार। सर्दी, गर्मी, बरसात, कैसा भी मौसम हो, हमारी योग क्लास नियमित रूप से चलती है, इसमें किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं होती है और सभी लोग नियमित आकर इसका स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, और सभी वृद्ध और युवा सभी तरह की हमारे लोग इस टीम में शामिल हैं। एक भाईचारे के भावना से, एक बहुत बड़े सद्भाव से यहाँ योग क्लास चल रही है, और मैं वानसूर के और भी लोगों से यह अपील करना चाहूँगा गाँववाणी चैनल के माध्यम से कि यहाँ आए और स्वास्थ्य का लाभ लेवे, जिससे कि अपने जो पोटली भर के दवाइयाँ जो खानी पड़ रही हैं उनसे बचा जा सके और लंबी आयु स्वस्थ रूप से जीवित रह सके। धन्यवाद सर। जिस संकल्प के साथ आपने बताया कि किस प्रकार प्रधानमंत्री जी का जो विजन था संपूर्ण विश्व में योग को एक इस प्रकार जीवित करने का एक काम किया, उसी में आप एक तरीके से प्रेरित होकर प्रेरणा प्राप्त करके इस मुहिम को आप लगातार नियमित रूप से 2017 से इन कक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं। आपके साथ विभिन्न आयु वर्ग के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी या युवा और मध्यम वर्ग के सभी प्रकार के लोग इस योग में क्लास का हिस्सा है, और सबसे अच्छा तो हमें ये लगा कि सभी लोग इस प्रकार इस क्लास में जुड़कर अपने आप को एक तरीके से स्फूर्तिमान, ऊर्जामान और साथ में स्वस्थ बनाने के लिए नियमित रूप से इन कक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं। मैं साथ में ये भी जानना चाहूंगा कि सर, ये जो आपने सुबह का जो समय चुना है उसके साथ साथ क्या शाम को भी ये योग किए जा सकते हैं, श्रेष्ठ समय कौन सा रहता है योग करने का? देखिए, आयुर्वेद के जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने योग का सबसे जो सही समय बताया है वो ब्रह्म मुहूर्त बताया है कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि अपने जो तकरीबन
मैं एक एवरेज रूप से बता दूं कि तकरीबन सूर्योदय से 1.5 घंटे के पहले होता है, ये थोड़ा सा बदलता रहता है, जैसे दिन छोटा होता है रात बड़ी होती है, तो सूर्य ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो करीब 1.25 घंटे का हो जाता है, और जब दिन बड़े और रात छोटी होती है तो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय करीब 1.25 घंटे का रह जाता है। तो हमें इसी में माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने भी इसी क्रम में एक नई स्वास्थ्य योजना चालू की है जो निरोगी राजस्थान के नाम से है। निरोगी राजस्थान का मतलब है कि अपने पूरे राजस्थान को निरोगी बनाना है, उनका भी विजन अब फिलहाल इसी पर है। और इसी तरह से हमारे योग के लिए एक वेलनेस सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले गए हैं जहां पर नियमित रूप से सुबह सुबह योगा कराई जाती है। मुख्य विजन सभी का यही है कि लोगों को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है, और बीमारियों से बचने के लिए योग बहुत आवश्यक है। योग और प्राणायाम ये ऐसी चीजें हैं जिनसे आप बीमारियों से बिल्कुल बच सकते हैं। धन्यवाद सर। और कोई संदेश जो आप अपने इस क्लब के माध्यम से? इस क्लब के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ बिल्कुल निशुल्क क्लास चलती है, सिर्फ आना है, बैठने की सारी हमने व्यवस्था कर रखी है, ये सारी व्यवस्थाएं अपने जो योग साधक है उन्हीं के सहयोग से की हुई है। और हमारे श्री प्रधानाचार्य जी जो सुभाष जी है उनका भी सहयोग है, उन्होंने हमें सुबह कमरा मुहैया करा रखा है जिसमें हम आराम से योग कर सकते हैं। और लोगों को हम यही कहना चाहते हैं कि सुबह सुबह आइए, योग करें, स्वस्थ रहें, किसी प्रकार की दवाइयों से बचें। धन्यवाद सर। जी जब से योग में नहीं आता था उससे पहले मेरे डायबिटीज 490 थी भूखे पेट, और खाना खाने के बाद 592। जब से रतिराम जी बैद्य जी के संपर्क में आए, योग में आना शुरू किया है, अब मैं डायबिटीज की दवाई महीने में 10 दिन लेता हूँ और शुगर मेरा कंट्रोल है। भूखे पेट 82-90 के लगभग आता है, खाना खाने के बाद 110-115। तो ये इस योग की मेहरबानी और वैद्य जी के आशीर्वाद और ये इनमें जो योग जागरूकता की वजह से। बहुत धन्यवाद सर। किस प्रकार आपने अपनी जो डायबिटीज की जो बीमारी थी उसको आपने इस योग में एक तरीके से आपको समर्पित करके आपने और अपने आप को सही किया। पंजाब नेशनल बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक के पद से रिटायरमेंट हुआ हूँ। मेरी उम्र इस समय 68 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं। जब से हम साथ ही आए 2017 से जब से चालू हुआ तभी से हम आ रहे हैं योग में, और उसके बाद में इतना मुझे फायदा हुआ है कि मेरे हालांकि डायबिटीज वगैरह और ये बीपी वगैरह नहीं है लेकिन इतना स्वस्थ रहता हूँ मैं कि जब मैंने मेडिकल चेकअप करवाया तो मेरा बिल्कुल सही, हर चीज़ मेरी सही, सोनोग्राफी क्या, इको क्या, हार्ट क्या, सब चीज़ मैंने अभी करवा कराऊँ, बिल्कुल ठीक है हूँ मैं, हर साल करवाता हूँ। यो गुरु की हमारे रतिराम जी इन्हीं की मेहरबानी है, इन्होंने संगठित किया, एकत्रित किया, हम लोगों को योग की शिक्षा दी और हम नियमित रूप से 4:40 पर यहाँ पर हर हालत पहुँच जाते हैं और करीबन 1.5 घंटे तक हमारे योग क्लास चलती हैं। कुछ सभी का सहयोग है इसमें, तो मैं ये सभी से अपील करूँगा कि मैं जैसे रिटायरमेंट वाला आदमी इस योग से जुड़ा हुआ तो सभी लोग जुड़े, इसका फायदा उठाएं। निःशुल्क है जैसे कि हमारे बैद्य जी ने बताया, रतिराम जी जो चिकित्सक महोदय उन्होंने बताया था, तो इसके अंदर सभी का फायदा है, इसमें कोई फीस नहीं, कोई कुछ नहीं, सब चीज़ें मुहैया करवा रखी, स्कूल प्रशासन की तरफ से भी हमें कमरा दे रखा है इन्होंने। तो मैं तो अपेक्षा करूंगा कि जो दवाओं से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि आप योग से जुड़िए, योग कीजिए और स्वस्थ रहिए, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। कोई फीस नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, जैसा कि अभी बता चुके सभी बातें, तो भारत देश को तभी बचाया जा सकता है। बाकी योजनाएं तो सब चालू रहती है, वो भी जरूरी है, लेकिन योग सबसे सबसे ज्यादा जरूरी, मैं योग समझता हूँ, स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। धन्यवाद। मैं एक व्यापारी हूँ, हालांकि मैं मॉर्निंग वॉक तो काफ़ी समय से कर रहा हूँ, करीब 8-10 साल हो गए मेरे को मॉर्निंग वॉक करते हुए, लेकिन जब से योगा क्लास से जुड़ा हूँ करीब 4.5-5 साल से, जब से शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का संचार हुआ है, पूरे दिन भर शरीर के अंदर एक एनर्जी रहती है, शरीर पूरा ऊर्जावान रहता है, कोई थकावट नहीं आती और शरीर स्वस्थ रहता है। कुछ भी खाओ पियो, कोई मतलब पाचन क्रिया में कुछ भी तरीके से कोई भी सिस्टम गड़बड़ाता नहीं है, हर तरह से शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारियों से दूर रहता है। तो मेरा सभी के लिए संदेश यही है, आप सभी अपने अपने जीवन में योग को जरूर अपनाएं। धन्यवाद। Oh.
पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् आप सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार नियमित रूप से ये अपने आप को ऊर्जावान और एक तरीके से कहें कि स्फूर्तिवान बनाने के लिए किस तरह से योग और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये लास्ट योग के अंतिम आज की क्लास के चरण में ये लोग अपने आप को प्रफुल्लित और एक खुश मिजाज के रूप में, एक हंसी के रूप में, ठहाके के साथ इस समापन को ये लोग कर रहे हैं। तो हमें भी लगा कि गांव में जुड़कर और लोगों को एक संगठन के रूप में जोड़कर उन्होंने एक योगा क्लब का एक निर्माण किया और इस प्रकार रतिराम जी और इनकी टीम के साझा प्रयास से ये मुहिम आगे की ओर बढ़ रही है। तो आइए हम भी इसमें जुड़ें और इनके अभियान को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। तो हम अब आपसे विदा चाहेंगे और गांववाणी स्टूडियो का इसी प्रकार प्रयास रहेगा आप लोगों के साथ हर रविवार एक सकारात्मक सोच और एक ऊर्जा के साथ गांव में किए जा रहे इस प्रकार के सकारात्मक प्रयासों को हम आप लोगों तक पहुंचाने का एक कार्य करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले रविवार, तब तक के लिए अलविदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।